रविवार को ही क्यों होता है छुट्टी का दिन? क्या है संडे का इतिहास? हिंदू धर्म में क्या है इसकी मान्यता? पूरे सप्ताह में 6 दिन काम करते करते 7वें दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसकी वजह तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि 7वां दिन रविवार यानी संडे होता है। इस दिन हर किसी का साप्ताहिक अवकाश होता है। हालांकि इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के हर देश में संडे ही वीकली ऑफ का डे होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब साप्ताहिक अवकाश का दिन संडे ही क्यों रखा गया है? इसके पीछे की क्या सोच रही होगी? संडे का इतिहास क्या है? भारत में तो सभी संस्थाओं में संडे को ही छुट्टी का दिन रखा गया है। हालांकि आप ये जानकर चकित रह जाएंगे कि हिंदू धर्म में इससे जुड़ी एक मान्यता भी है जो काफी हैरान कर देने वाला है। संडे की छुट्टी कब शुरू हुई? जहां तक भारत की बात है, यहां संडे की छुट्टी की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। 1843 में गुलाम भारत के वक्त संडे की छुट्टी की शुरुआत एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने की थी। भारत में इसका इतिहास मिल मजदूरों से जुड़ा हुआ है। इतिहास के मुताबिक 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने सबसे पहले इसके लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि इससे पहले तक सप्ताह के 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। ऐसे में मेघाजी लोखंडे ने कहा, मजदूरों को वीकली ऑफ मिलनी चाहिए ताकि सप्ताह के एक दिन वो अपनी थकान मिटा सके, साथ ही अपने लिए भी वक्त निकाल सके। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन ने संडे को वीकली ऑफ घोषित कर दिया। ईसा मसीह से जुड़ी है मान्यता। संडे का वीकली ऑफ होने की मान्यता ईसा मसीह से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जिस दिन ईसा मसीह ने अपने शरीर का त्याग किया था, उस दिन को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी मान्यता है कि शरीर को त्यागने के बाद उन्हें जीवित देखा गया था। जिस दिन ये घटना हुई थी वो संडे का दिन था। इसी घटना की मान्यता के मुताबिक ईस्टर संडे मनाया जाता है। ईसाई धर्म से जुड़े लोग इसीलिए संडे के दिन चर्च में जाते हैं और ईसा मसीह को याद करते हैं। इसलिए संडे के ईसाई धर्म से जुड़े लोग वीकली ऑफ रखते हैं। कहा जाता है कि भारत में वीकली ऑफ की एक वजह ये भी है, अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत में रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया था। इस बारे में ईसाई धर्म से जुड़ी एक और मान्यता है। इस धर्म से जुड़े लोगों का यह मानना है कि उनके ईश्वर ने दुनिया का निर्माण 6 दिनों में किया था। उसके बाद 7वें दिन यानी रविवार को उन्होंने आराम किया था, इसलिए संडे को छुट्टी का दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता। जहाँ तक हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं की बात है, हिंदू धर्म में रविवार को सप्ताह का पहला दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में रविवार को सूर्य देवता और भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इसी दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी माना गया है, इसलिए रविवार का हिंदू धर्म में काफी उच्च स्थान हासिल है। वहीं सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सनातन धर्म में सूर्य के प्रकाश को सकारात्मक भाव का प्रतीक माना गया है। इसमें सभी तरह के रोग और नेगेटिविटी को खत्म करने की क्षमता होती है। इसके अलावा भारतीय सनातन कैलेंडर की शुरुआत रविवार को ही होती है, क्योंकि सनातन धर्म में इसे सूर्य देवता का दिन माना गया है। इसलिए ये माना गया है कि पूजा पाठ का दिन होने के चलते लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए संडे को वीकली ऑफ कर दिया गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।